सत्रवा अध्याय श्रद्धा क्षत्रिय विभाग योग, उसके कुछ श्लोक शेष हैं, उनको पहले हम पूरा कर लेते हैं। हम यहाँ तक पहुँच चुके थे 25वें, ये 25वां श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ओम तत्सत, ऐसे ये तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्मा का नाम कहा है, उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण, वेद तथा यज्ञादि रचे गए थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अध्यात्म का सार बता रहे हैं कि ओम तत्सत, ओम एक ऐसी आवाज़ जिसे अनहदनाद कहते हैं, जिसे ब्रह्मनाद भी कहते हैं, ओम जो आवाज़ गूंज रही है, सिर्फ एक आवाज़, और तत्व कि उसी से ही है, और सत्य जो यूनिवर्सल है। तो ये ओम तत्सत, ऐसे ये तीन शब्द हैं जिनसे सब कुछ बना है, तो इनमें सब कुछ समाया हुआ है, ये बीज मंत्र हैं, ओम तत्सत, तो इसमें सब कुछ आ गया, सारी चीज़ें इन्हीं से ही बनी हैं। बस ये समझने की बात है, ये एहसास की बात है, तीन चीज़ें ही हैं, सच झूठ या न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव या न्यूट्रल, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और तीसरा कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन, ये तीन फोर्सेस होती है। हर तरफ तीन का ही माया जाल है, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों शक्तियां हैं जो महान हैं, हाँ ना और बीच की अवस्था। तो कृष्ण यही सार अर्जुन को बता रहे हैं, यही हमें ध्यान में रखना है कि चाहे हमें कुत्ते से गंदगी लगे, चाहे पोटी से, चाहे छींटे से, चाहे मिट्टी से, बनी तो सारी चीज़ें ओम तत्सत से ही हैं, सब में ओम समाया। एक सॉन्ग है ना, तुझ में ओम मुझ में ओम सब में ओम समाया, प्रेरित थी वो। हाँ जी, पढ़ते थे ना तो बच्चे गाते नहीं है, प्रेर गाते हैं, प्रेर गाते हैं, हाँ प्रेर में था। हम गाते हैं जरूर हैं, लेकिन जीवन में कहाँ, तब तो जानते भी नहीं थे ये किसका मतलब क्या है। हाँ, मतलब ना कोई बताता है ना कोई पूछता है, ओम समाया सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया, हम नहीं जानते थे इसका मतलब क्या है। ये गा के सुनाओ, मैं तो भूल गया, तुझ में ओम मुझ में ओम सब में ओम समाया, कर लो प्रिय जगत से प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया। ये दिमाग में तो बातें हैं, लेकिन तब छोटे थे, मतलब नहीं पता था क्या मतलब है इसका, कि सब में ओम समाया तो कैसे समाया, ऐसा कुछ नहीं पता था, बहुत छोटे थे तब की बात। चलो, सब में ओम समाया क्या है कि सारी चीज़ें उसी से बनी है। अब हमारा ये शरीर है, ये भी तो मिट्टी से ही बना है, और ये मिट्टी में मिल जाएगा, चाहे चारवाक दर्शन की बात करें, चाहे बाकी दर्शन की बात करें, सभी यही तो कहते हैं, खास करके चारवाक दर्शन है वो विज्ञान के ज़्यादा करीब है, वो कहते हैं भूतेश कि सब चीज़ें पृथ्वी में ही समा जाती हैं, पृथ्वी से ही बनती हैं, अर्थात चार तत्व वो मानते हैं कि अग्नि जल वायु और पृथ्वी, कि इन्हीं चारों के कम्बिनेशन से, अनुपात से चीज़ें बनती है, इनका जब अनुपात कम ज़्यादा होता है तो चीज़ें बन जाती है। और चेतना भूतेश्य के, चेतना है वो इसी जो मिट्टी या बाकी पदार्थ है इन्हीं से उत्पन्न हो जाती है, ये चारों पदार्थ जिस मात्रा में जिस अनुपात में मिलेंगे उसी अनुपात में चेतना उत्पन्न हो जाती है, जीवों में मिलते हैं, मनुष्यों में मिलते हैं, सब में चेतना उत्पन्न इसी कारण से होती है। जैसे घड़ी के पुर्जे हैं, पुर्जे मिलाने के बाद, सेल डालने के बाद वो चल पड़ती है ना, ऐसे ही है कि मिट्टी पानी वायु अग्नि इनका कम्बिनेशन अगर मिल जाए तो इनसे चेतना भी उत्पन्न हो जाती है। ये चारवाक दर्शन पूरा कहता है, इसको आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें भी समझ में। हाँ, मैं इसको नहीं जानती, और बहुत कुछ तो मुझे पता है, चारवाक का नहीं कुछ समझ में आया, मतलब पढ़ाई नहीं है मैंने। हाँ देखो, ये सबसे ज़्यादा असली भी यही है, बाकी चाहे वो सांख्य दर्शन योग हैं वो अलग सी फिलोसफी बताते हैं, उसमें परमात्मा के इर्द गिर्द ज़्यादा ये दर्शन रहता है, कई परमात्मा को मानते हैं,
कुछ नहीं मानते हैं, कुछ आत्मा को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, कुछ शब्द को प्रमाण मानते हैं, बस ऐसे ही उलझे हुए से कुछ ज़्यादा दर्शन हैं, कुछ वेदों को प्रमाण मानते हैं लेकिन चारवाक वेदों को भी नहीं मानते, क्योंकि वेद किसी एक आदमी ने नहीं लिखे हैं, वेद बहुत से ऋषि मनीषियों ने लिखे हैं। तो फिर क्या है कि जो धार्मिक व्यक्ति हैं उनको समझ तो कुछ आया नहीं, उन्होंने कह दिया कि वेद अपौरुषेय है, कि ये ईश्वर की वाणी है। वेद ईश्वर की वाणी नहीं है, वेद ज्ञानियों की वाणी ही है, इंसानों ने ही लिखे हैं लेकिन पता नहीं है किस किस ने लिखे हैं, इसलिए कह दिया कि अपौरुषेय। अपौरुषेय कुछ भी नहीं होता, सारी चीज़ें या तो प्रकृति बनाती है या मनुष्य की रचना है। तो चारवाक दर्शन वैज्ञानिक बात करता है, वो अंधविश्वास में कर्मकांड में नहीं उलझता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ वैज्ञानिक चेतना की बात करता है, तर्क की बात करता है, लॉजिक की बात करता है, जो प्रत्यक्ष है उसे ही प्रमाण मानता है, ना अनुमान को प्रमाण मानता है। ऐसा नहीं है कि वो कोरे अनुमान को नहीं मानता, जो अनुमान असली में है, असली का जिससे पता चले उसे वो मान लेता है, तो वो शब्द को प्रमाण नहीं मानता है। बाकी तो क्या करते हैं कि किसी ने कह दिया उसी को सच मानते हैं, शब्द प्रमाण नहीं होता ना, कि जिसने शब्द कहे उसने किस अवस्था से कहे वो इम्पोर्टेंट है। तो ये बड़ी ऊंची बातें हैं, हमें इतना समझना है कि सब चीज़ें ब्रह्म से ही बनी हैं, उसी सृष्टि काल में ब्राह्मण वेद यज्ञ आदि रचे गए हैं, अर्थात शुरुआत तो इनकी हुई है ना, आदिकाल में हुई है। आदिकाल में जो ज्ञानी हुए उन्होंने वेद वाक्य कंठस्थ करवा दिए किसी को, तो वो आगे से आगे चलते रहे, ऐसा ही होता आया है। क्योंकि पहले जो था ज्ञान का आधार वो गायन था ना, कि कुछ मंत्रों को गुरु अपने शिष्यों को रटवा देते थे, वो आगे से आगे चले जाते थे, फिर जब लिखने की व्यवस्था हुई तो लिखे भी जाने लगे। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शस्त्र विधि से नियत यज्ञ दान तप रूप क्रियाएं सदा ओम परमात्मा के उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तो जो ज्ञानी थे उन्होंने सहार निकाल लिया था, सच का पता लगा लिया था, तो उन्होंने ओम से ही शुरुआत की, ओम तत्सत, ओम से मंत्रों की शुरुआत होती है। तो हिंदू धर्म में ओम का विशेष महत्व है, जैसे सिख धर्म में सतनाम एक ओंकार का स्थान है, और मुस्लिम में आमीन, और इस तरह से हर एक धर्म में एक, लेकिन है ये ओम का ही सब कुछ लेन देन, है ओम ही सब कुछ, बदल दिए हैं थोड़ा बहुत बस, ओम वो अंतिम सत्य, बस वो ओम के बाद कुछ बचता नहीं है ना, वो सब जैसे सागर बूंद में समाया है, बूंद सागर में समाई है, है तो सब कुछ सागर ही ना, तो बूंद को इसी उठा ले है तो सागर का ही रूप, तो ये सारा कुछ ओम से ही निर्मित हुआ, ओम में ही समा जाता है। 27वें श्लोक में तत् अर्थात नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही सब है, इस भाव से फल को न चाहकर परमात्मा की यज्ञ तप रूप क्रियाएँ तथा दान रूप क्रियाएँ कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों को पुरुषों द्वारा दी जाती है। तत् क्या है कि ये जो भी तत्व है ये उसी के हैं, तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही सब कुछ है, कि जो भी है वो परमात्मा का ही है। जैसे गीता सार में भी कहा गया है कि क्या लेकर आया था क्या लेकर जाएगा, जो पाया यहीं से पाया, जो दिया यहीं पर दिया, तेरा क्या था जो तू लेकर आया, तेरा क्या गया जो तू रोता है। शरीर यहीं से मिला, नाम यहीं से मिला, पद यहीं से मिला, सूचना यहीं पर मिली, शरीर यहीं रह जाना है, सब कुछ यहीं तो बिखर जाना है, क्या लेकर आए थे, कुछ है ही नहीं ना अपना, तो किस बात का अहंकार करना, किस बात के लिए डरना, कुत्ते बिल्ली पोटी गंदगी इन चीज़ों में उलझ के क्यों कीमती जीवन व्यर्थ करना, क्योंकि कुछ लेकर आए ही नहीं, कुछ लेकर जाएंगे नहीं। अगर खुशी में जी लेंगे तो बढ़िया से जी लेंगे, अगर दुख में जिएंगे तो ख़राब जी लेंगे, जाना तो है ही। ऐसा तो है नहीं कि भाई दुख में जीने वाले अमर रहते हैं, सुख में जीने वाले जल्द मर जाते हैं, होता उल्टा है कि जो दुख में जीते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। कहाँ मरते हैं दुख वाले, वो मर ही रहे ना, रोज रोज मरते हैं वो, उनके लिए जीवन है कहाँ, दुख का
एक दिन सुख का 100 साल। हाँ, और दुख का तो एक दिन भी बुरा। हाँ, तो 100 सालों का पता ही नहीं चलता सुख के, और दुख का एक दिन ही बहुत भारी होता है। निकल जाते हैं वो तो इसलिए जीना तो है ही ना, जीने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मरने से पहले जीना तो होगा ना, तो क्यों ना खुशी खुशी जी लें। छूट तो जाना ही है ना सब कुछ, रहे तो यहीं पर जाना है ना। हमारे बाप दादा परदादा क्या लेके गए, हम क्या ले जाएंगे है? रोज शमशान घाट में अर्थियां जलती हैं, लाशें जलती हैं ना। हाँ। उन्होंने भी तो उल्टा बहुत तो अहंकार किया था, अच्छे से जी कर गए हैं जो हमारे गए दादा पापा या जो भी कुछ, क्योंकि उन्हें तो ये था ही नहीं, ये रोग नहीं, वो घमंड भी नहीं, रोग नहीं, कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। अच्छी जिंदगी जी कर, कहीं ना कहीं तो दिमाग में इतना डेटा जो भरा हुआ है उसे डिलीट करना ही होगा ना। भगवत गीता डेटा काटने का ही तो नाम है, अर्जुन का डेटा भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से ही तो काट रहे हैं, वो गीता सुना करके अर्जुन के अंदर का डेटा हटा रहे हैं। और आप भी अपने डेटा को साथ के साथ काटते जाएं, खचा खचा। हाँ, तो तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का यही सब है, इस भाव से फल को न चाहकर। कि देखो, हम किस लिए फल की उम्मीद रखें कि कुछ पा लेंगे, जो पाएंगे वो उसी का है, अगर खो देंगे उसी का है, तो क्यों खाम खाम फल के लिए खुद को दुखी करना, किसी को दुख देना। फल ले भी लिया तो क्या ले लेंगे, फल गया तो क्या चला जाएगा, तो क्यों ना फल छोड़ करके ही कर्म करने लग जाएं। जिन कर्मों में हमें आनंद आता है, मस्ती चढ़ती है, खुमारी आती है, दिल बागो बाग हो जाता है, उन कर्मों को करना स्टार्ट कर दें। क्यों रात दिन पैसे पैसे, मेरा तेरा, दौलत के पीछे। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद ना आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा, आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब, भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।